पता, आज मैंने मेरी पुरानी डायरी खोली। इसमें कुछ पुरानी यादें आज भी दफन थी, और वो पुरानी यादें आज भी कुछ नई सी लगी, तो सोचा उसका एक किस्सा आपको भी सुनाऊं। और हाँ, इसे सिर्फ एक किस्सा समझिएगा, कहानी नहीं, क्योंकि कहा था ना, कुछ किस्सों का अधूरा रह जाना ही ज़्यादा बेहतर है, और इसलिए शायद ये एक किस्सा है। कुछ किस्से उनकी यादों के, कुछ किस्से उनकी मुलाकातों के। चलता रहेगा ये सफर इसी तरह आपके साथ। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। मैं अक्सर अकेला बैठकर डायरी लिखा करता था, दिन भर की बातें और कुछ शायरियां लिखा करता था। और एक दिन ऐसे ही अकेला बैठा आसपास के शोर शराबों से दूर जयपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी डायरी लिख रहा था। भरी दोपहरी और गर्मी का वो वक्त था, मेरी ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैं बस जैसे तैसे कुछ अधूरे किस्से अपनी डायरी में पूरे करने की कोशिश कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पास रखी चाय ठंडी होने की जगह और गर्म हो रही थी। और मेरी ज़िंदगी के अक्सर किस्से ऐसे ही चाय से शुरू होते हैं। एक तरफ डायरी और दूसरी ओर चाय लिए मैं बस किसी तरह किसी किस्से के शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मेरी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी। मैं मेरा सामान लेकर ट्रेन में बैठ गया और मेरा सफ़र करीब 10 घंटे का था। मुझे जयपुर से बरेली एक शादी में जाना था। ये शादी मेरे दोस्त के बड़े भाई की थी, और आप तो जानते ही हैं कि दोस्तों का रिश्ता कितना हसीन होता है, तो जाना तो ज़रूरी था ही। खैर, मैं अपनी सीट पर बैठा अपनी ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था। मैं बस बाहर बैठे आते जाते लोगों को देख रहा था। उन्हें देख मेरा इंतज़ार कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपने बैग से अपनी डायरी निकाली और लिखने लगा कि हर रोज़ न जाने कितनी गाड़ियां गुजरती होंगी इस स्टेशन से, न जाने कितने लोग यहां से रोज़ चढ़ते उतरते होंगे। और इन ट्रेनों के बारे में भी क्या ही कहें, हर रोज़ मीलों दूर का सफ़र करके न जाने कितने लोगों को उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और न जाने कितनों को ये उनके चाहने वालों से दूर करती होंगी। इस स्टेशन पर कई लोग अपनों को लेने तो कई लोग अपनों को छोड़ने आते होंगे। इतने में मेरी ट्रेन ने हॉर्न देकर अपनी जगह छोड़ दी। मेरी नज़र मेरी डायरी से हटी तो देखा कुछ ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ सीटें अभी भी खाली हैं, और कुछ लोग अपनी सीटें ढूंढते हुए आगे पीछे हो रहे थे। खैर, मुझे इन सबसे क्या, मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ, और अपने बैग को अपना तकिया बनाया, बाहर से आती गर्म हवाओं से मुँह फेरा और सो गया। सुबह से जल्दी जल्दी काम निपटा के यहाँ तक आया था, इसलिए थोड़ा थका हुआ था, इसलिए नींद भी जल्दी आ गई। मेरे सोए करीब 1 घंटा हुआ होगा कि एक स्टेशन आया, और हमेशा की तरह कुछ लोग चढ़े और कुछ लोग उतर रहे थे। मैं इस दुनिया से बेखबर सोए अपनी नींद पूरी कर रहा था कि तभी मेरे कंधों को किसी के हाथों ने हिलाया। मैंने सोए सोए आंखें खोली तो आंखें खुली की खुली रह गई। हल्के गुलाबी रंग के सूट में सुलझे हुए बाल और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए लड़की मेरे पास खड़ी थी। मेरी आंखें नींद में खुली, मैं जैसे तैसे बिना मन के उठा और पूछा, जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, मेरी सीट ऊपर वाली है, और आपको सोना है तो आप मेरी सीट पर सो जाओ, मैं थोड़ी देर नीचे सीट पर बैठ जाती हूँ। मेरा मन हाँ करने का तो नहीं था, पर कोई बात नहीं, मुझे क्या, मुझे तो फिलहाल बस अपनी नींद पूरी करनी थी। मैं उठा, ऊपर वाली सीट पर गया और बैग को अपना तकिया बनाकर फिर से सो गया। करीब शाम के 6 बज रहे थे, ट्रेन में थोड़ी चिकचिक सी हुई, मेरी नींद खुली, मैं उठा। अब क्या दिक्कत है यार इस लड़की को, सीट तो दे दी ना, अब क्या इसे पूरी ट्रेन चाहिए? बड़बड़ाता हुआ उठकर देखा तो लड़की ट्रेन में बेचने आए चाय वाले से किसी बात पर बहस कर रही थी। मैंने इस छोटी सी बहस को काटते हुए एक कप चाय मांगी। उस चाय वाले ने कहा कि भैया, इन मैडम के पास खुले रुपए नहीं हैं, इन्हें एक कप चाय चाहिए थी, तो इनके चाय के पैसे आपके पैसे से काट लूँ, आप लोग बाद में देख लेना। मैंने बस हाँ कर दी। उस लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा और चाय ले ली। मैं भी अब नीचे उस लड़की के सामने वाली सीट पर बैठ गया और ढलती शाम को देखते हुए अपनी चाय में खोया रहा। चलती ट्रेन और बाहर की वो शांति और ढलती शाम को देखते हुए मुझे बस कुछ याद आया और मैंने अपनी डायरी निकाल ली। मुझे डायरी लिखता देख वो लड़की मुस्कुराई, पर मैंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वो लड़की मुझसे बोलती है कि आप क्या लिख रहे हो? मैंने कहा, ये ढलती शाम भी बहुत खूब है, थक हार कर दिन अब अपनी रात से मिलने चला। ये वक्त भी बहुत खूब है, दिन को रात से बस पल भर में मिला देता है। कभी कभी मन करता है कि कहीं दूर बैठकर एक शाम को ढलकर रात में बदलता हुआ देखूं। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि आप बहुत अच्छा लिखते हो सच में। ढलती शाम और ऊपर से उस लड़की की बात,
बीच बीच में बाहर से आती ट्रेन की वो आवाज़, ये किसी लव सॉन्ग से कम नहीं था मेरे लिए। बीच बीच में वो मुझसे बात करते करते हवा से बिखरते बालों को संवार लिया करती। उसके लहराते बाल जैसे किसी झरने की तरह लग रहे थे। कभी कभी किसी की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। एक कप चाय से शुरू हुई ये दोस्ती अब खाने तक आ पहुंची थी। करीब रात के 8 बज रहे थे और उसने अपना टिफिन निकालकर सीट पर रख दिया और मुझे खाने के बारे में पूछा। मैंने मना कर दिया। उसने टिफिन खोला, एक तरफ आलू की सब्जी और थोड़ी सी पूड़ियाँ रखकर मेरी ओर सरका दिया। वैसे कुछ भी कहो, ये आलू की सब्जी और पूड़ियाँ हमारे सफ़र की जान है। इसके बिना तो मानो जैसे सफ़र सफ़र ही नहीं। अगर आपने भी कभी अपने परिवार के साथ सफ़र किया होगा तो आप इन पूड़ी और आलू की सब्जी से भली भांति परिचित होंगे। मेरे मना करने के बाद भी उसने मुझे आलू की सब्जी और पूड़ी ऑफर की। अब मैं कैसे मना कर सकता था, भूख तो मुझे भी लग रही थी। मैं कब 5 पूड़ियाँ खा गया मुझे पता ही नहीं चला। खाना खाते खाते मैंने उस लड़की से कहा कि वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। उसने कहा, मेरा नाम प्रीति है। अब हम दोनों का सफ़र बहुत प्यारा गुजरने लगा। वो मुझसे ढेरों सारी बातें किए जा रही थी और मैं बस उसे सुनता रहा। मेरे दिल की धड़कनें तो तब तेज़ हो गई जब उसने अपनी आंखों से चश्मा उतार के बालों को संवारने लगी। और तभी ट्रेन के पास से गुजरती ट्रेन के हॉर्न से डर कर उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा। बस 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 बस, मेरी धड़कनें वहाँ ट्रेन की रफ्तार से तेज़ थी। इसी तरह बातें होती रही, सफ़र कटता रहा और थोड़ी देर बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर सो गए। सुबह अचानक से मेरी आँख खुली तो बाहर देखा बरेली जंक्शन पर गाड़ी खड़ी थी। मैं जल्दी से अपनी सीट से उतरा और अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगा। मेरा ध्यान प्रीति की ओर गया, वो वहाँ नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी में प्रीति को हर तरफ ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। अंत में थक हार कर मैं बस ट्रेन से उतर कर बाहर आ गया। और मुझे सच बताऊँ तो अपनी किस्मत में बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए यार। प्रीति से फिर कभी ना मिलने की आस लेकर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे स्टेशन लेने आने को कहा। मेरा दोस्त मुझे स्टेशन लेने आया। फिर हमने बाहर बैठकर चाय पी और फिर बाज़ार से थोड़ा सामान लेते हुए हम घर चले गए। शादी का माहौल था तो आप समझ सकते हो कि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। बस उसी मेहमान नवाजी में हम भी शामिल हो गए। मैं मेरे दोस्त के घर पहुंचा, वहां देखा तो बहुत रौनक सी लग रही थी। मेरा दोस्त मुझे लेकर घर के अंदर गया और सभी बैठे मेहमानों से मेरा परिचय करवाने लगा और अपने परिवार वालों से मिलाने लगा। मुझे मेरे दोस्त की मम्मी ने बैठाया और कहा, बेटा तुम इतनी देर तक कहाँ थे, ट्रेन तो कब की आ चुकी है तुम्हारी। मैंने कहा, आंटी जी बस बाज़ार से थोड़ा सामान लेने लग गए थे, बस वहीं देर हो गई। आंटी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत थक गए होगे, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। कहकर आंटी जी ने आवाज़ दी कि बेटा एक कप चाय लाना। मैं और आंटी जी बस ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे कि मेरे पास एक लड़की आई और उसने कहा, आपकी चाय। मैंने जैसे ही मुड़कर उस लड़की को देखा तो बस देखता रह गया। वो लड़की और कोई नहीं, प्रीति थी। वही प्रीति जिससे कुछ घंटे पहले मैं एक कप चाय के झगड़े पर मिला था और फिर मैं उससे एक कप चाय पर दोबारा मिला। बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी मेरी अपनी डायरी की है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी जुबानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।